जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा यार आप सुभान अल्लाह बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने 1 किलो 500 रुपया में सुभान अल्लाह खरीद करके यहाँ बैठे हैं कि सब खर्चा हो जाएगा तो पूरी रात पड़ी है, ऐसा है क्या? जब नहीं है तो अम्मा झूम के बोलो ना सुभान अल्लाह। कंजूसी हो रही है तो और एक हदीस सुन लो, और एक बात सुन लो, सरकारे आला हजरत जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे नसीबपुर वालों आज तुम्हारी बड़ी खुश नसीबी है, आज का डेट तुमको पता नहीं है कि तुमको ये डेट और ये तारीख कैसे मिल गई है, ये तारीख तुम्हें कैसे मिल गई है, तुमने सोचा तलक नहीं। आज अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का आज के दिन उर्स मुबारक है। चलो आला हजरत की बात सुनो, सरकार आला हजरत तवज्जो चाहूंगा हजरत, सरकार आला हजरत अजीमुल मर्तबत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा खान अलैहि रहमत और रिदवान, नोट करो फतवा रजविया कितने जिल्द है? 30 जिल्द। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितने जिल्द? 30 जिल्द। 30 जिल्द है। 30 जिल्दों में से 23 जिल्द 23 23 नंबर जिल्द में सफा नंबर 545 में जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जो बात तुम्हारी जबान से निकलती है वो बात खत्म नहीं होती, अल्लाह के पास जाकर जमा हो जाती है। जो भी बात करते हो अल्लाह के पास जमा हो जाती है, जितनी आवाज निकलती है अल्लाह के पास जमा हो जाती है। मसलन आपने सुभान अल्लाह बोला जाके हाजिर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाके हाजिर हो गया, सूरा बोला जाके हाजिर हो गया, आयत बोला जाके हाजिर हो गया, बाप को सलाम किया जाके हाजिर हो गया, माँ को माँ करके बुलाया जाके हाजिर हो गया। आला हजरत फरमाते हैं अगर तुमने अच्छी बात जबान से निकाली है तो वो आवाज तुम्हारे मरने के बाद भी कियामत तक वो आवाज तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ करेगी। नारायण तकबीर, नारायण रिसालत, नारायण रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना शेख रबानी साहब, नारायण तकबीर, नारायण रिसालत। वो आवाज दुआ करेगी, कौन आवाज दुआ करवे? जेटा भालो बोलेछेन अपनी मरे जाबेन किंतु अपनार आवाज के अल्लाह जिंदा रेखेछेन। जरा झूम के बोलो सुभान मोबाइल रेकॉर्डिंग होछे ना हय ना? अरे हय ना हय ना, किंतु मोबाइल हैंग हय ना हय ना? हैंग जखन हय तखन ब्यांगेर मतन करे, माने आर किछु चलबे ना, तो एटाओ भ्यानिश हये जाबे, किंतु आल्लाहर काछे जेटा जमा हये जाय सेटा भ्यानिश हय ना। ভ্যানিশ হবে না কেন? হয় না কেন হুজুর? কেন হবে? তুমি কিয়ামতের মাঠে যে বলবে যে আমি এগুলো বলিনি, তো রেকর্ডিং তখন তোমাকে শুনিয়ে দেওয়া হবে। মুসলমানো যারা গৌর করো, সরকারে আলা হযরত ফরমাতে তুম মর যাওগে মগর তোমারি আওয়াজ তোমারে লিয়ে দোয়া করেগি। ইসলিয়ে সুবহান আল্লাহ জিয়াদা বলতে রহনা। ये सुभान अल्लाह सिर्फ बुलाया नहीं जाता, ये जमा होने के बाद तुम्हारी जबान से निकलने के बाद ही तुम्हारे लिए दुआ करने शुरू कर देगी। इधर तो सुभान अल्लाह बहुत बोले, और एक तरफ सुनो, इसी में बस नहीं है, है ना? इसी में बस नहीं है, ज्यादा मिठाई खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगा। बस सुनो मुसलमानों, एक लाइन मैंने पढ़ा भी कि अगर तुम्हारे जबान से ईमानियत की बात निकली तो वो बात वो आवाज जमा हो जाएगी और तुम्हारे लिए दुआ करेगी। एक लाइन है, निचला लाइन जरा पढ़ो,
अगर तुम्हारी जबान से कुफरियात निकली, दुकान में बैठ के इधर उधर बकते रहते हो ना, है ना, दुकान में बैठ के इधर उधर बहुत बकते हैं आदमी, और गाली उली जो क्या क्या बकते हैं, ये सब है ना, ये आदमी गाली उली नहीं देता है। अच्छा, अरे जानो कि जो जानो वो बूढ़ो लोग टा आढ़ेटा दांत बाकी से सब टिपड़े गेसे কোন রকম জানো ভাই জানো মানে ওই মানে ছই ওই মেয়েটা চলে গেছিল ভাই, মানে পেপার পত্রিকা সব এই বুড়ার কাছেই আছে। মুসলমানো কান খোলকার শোনো, চাহে তুম জোর সে বলো চাহে তুম আহিস্তা বলো, আওয়াজ তোমারি যাকার জমা হো জাতি হ্যায়। अगर तुमने अच्छी आवाज किया है तो तुम्हारे लिए रहमत नाजिल करती है, अगर तुमने अच्छी आवाज निकाली है तो दुआएं मगफिरत करती है, और अगर बुरी आवाज निकली है तो वो तुम्हारे लिए लानत करती है, वो तुम्हारे लिए बददुआ करती है, वो तुम्हारे लिए रहमत की दुआ नहीं करती। इसलिए हमेशा याद रखना, एक दिन मर जाना है तो जब भी मेरी आवाज निकले वो रहमत वाली आवाज निकलनी चाहिए। रोजाना सुभान अल्लाह नहीं बोलते हो, आज भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? बात जरा सुनो, मैं अर्ज कर रहा था, इससे पहले आओ एक मर्तबा झूम झूम कर दुरूद पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাহলে বোঝা গেল আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার কাছে ভদ্রতা ভাবে থাকো, নম্রতা ভাবে থাকো, আমার কাছে অহংকারে তাকাবুরি দেখায় না। হে আমার আল্লাহ, আপনার কাছে নম্রতা দেখাবার তরিকাটা কি? আমার আল্লাহ বলেন আমার কাছে ভিখারি সেজে যাও, ভিখারি সেজে যাওয়ার তরিকাটা কি? কালা রব্বকুম, তোমাদের আল্লাহ তোমাদেরকে বলছেন উদউনি, আমাকে ডাকো, আমাকে ডাকো, আমার কাছে চাও, আমার কাছে ফরিয়াদ করো, যতই বড় দৌলতমান হয়ে গেছো তবু আমার কাছে চাও, যতই বড় বাদশাহ হয়ে গেছো তবু আমার কাছে চাও, যতই বড় ওয়ালি হয়ে গেছো তবু আমার কাছে চাও, যতই বড় নবী হয়ে গেছো রাসূল হয়ে গেছো তবু আমার কাছে চাও, কারণ আমি আল্লাহ তোমাদের বাদশাহ। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন আমার কাছে চাও। হে আমার বন্ধুগণেরা, পর্দানসী মা বোনেরা, আজ দুটি কথা বাড়ি নিয়ে যাবেন। আমি আপনাকে চুটকুলা শোনাতে আসেনি, হাসি রহস্য শোনাতে আসেনি, কোন যুক্তির কথা শোনাতে আসেনি, এসেছি কোরআন নিয়ে হাদিস নিয়ে। একবার মহব্বতে বলেন সুবহান আল্লাহ, আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেই কোরআনের আয়াতে বলেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, হে আমার বান্দারা নম্রতভাবে আমার কাছে প্রার্থনা করো, আমি আল্লাহ তোমাদের প্রার্থনা কবুল করি। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাগফিরুনা আন ইবাদাতি, আর শোনো, যারা ঘামান সহকারে, যারা আত্ম অহংকারে, যারা তাকাব্বুরিতে আমার এই ইবাদতটা না করলো, আমার এই দোয়াটা করলো না, কারণ তাদের গর্ব আছে, নামাজ পড়েছি, ঘামান আছে, আরে নামাজ পড়লি মৌলভি সাহেব ফির কাহে গো দোয়া করো, নামাজ পড়লি পড়লি না, মানে গর্ব আছে। ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাগফিরুনা, এই আয়াতটা কোথায় আছে?
जेटा आयत पढ़लाम उदउनी अस्ता जिबलकुम तर की 3 किलोमीटर दूरे नहीं 7 किलोमीटर दूरे नहीं 1 किलोमीटर दूरे नहीं 1 मीटर दूरे नहीं 5 इंची दूरे नहीं 1 इंची दूरे नहीं उदउनी अस्ता जिबलकुम तार पौरिया से इन्ना लजीना यस्तक बिरूना अन इबादती खबरदार जरा वहन करी करे तकबूरी करे घमंड करे अन इबादती अमर एक दुआ होती झूम के बोल यार बोल जरा झूम के सुभान अल्लाह अगर नबी की इश्क आपके दिल में है और ये दोनों हाथ कम से कम नबी की मोहब्बत में रखते हैं तो आज हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह और एक मरतबा बोलो या रसूल अल्लाह मुसलमानों सुनो 1 इंच दूर में नहीं 0.5 इंच दूर में नहीं 1 पॉइंट दूर में नहीं जहां पे ये खत्म है उदउनी अस्तजिब लकुम वहीं से शुरू है इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती दुआ को इबादत भी कहते हैं जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह हदीस शरीफ में है अद्दुआ हो अल इबादा दुआ जो हम करते हैं ना दुआ जो करते हैं तो ये सिर्फ चाहना नहीं होता मांगना नहीं होता ये इबादत भी करना होता है जो कोई भी दुआ करेगा दुआ दुआ भी है अल्लाह से मांगना भी हुआ और इबादत करना भी हुआ इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती दुआ जैसी इबादत से अगर कोई मेरा बंदा घमंड किया यस्तकबिरूना घमंड करना चाहो तकबुर करना चाहो अल्लाह फरमाता है सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन इसकी निजात होने वाली नहीं इसलिए कि मैं अल्लाह मैं उसका बादशाह और मेरे सामने ये घमंड करता है अरे इसका ठिकाना जन्नत में नहीं होगा इसका ठिकाना सारी जिंदगी तलक जहन्नम में होगा।